टी20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की वतन वापसी, रोहित शर्मा ने देश को करवाए ट्रॉफी के दर्शन, एयरपोर्ट के बाहर विश्व विजेताओं का भव्य स्वागत हुआ। टीम इंडिया के ग्रैंड वेलकम के लिए फैंस का जोश दिखा काफी हाई, हाथों में रोहित और विराट कोहली के पोस्टर्स लेकर हजारों फैंस आए नजर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय टीम के खिलाड़ी और कोच करेंगे मुलाकात, सुबह 9:30 बजे पीएम हाउस के लिए रवाना होगी टीम इंडिया, 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। आज शाम मुंबई में भारतीय क्रिकेट टीम का विक्ट्री मार्च भी होगा, नरीमन पॉइंट से मरीन ड्राइव मार्च होगा, ओपन रूफ में बस में सवार होकर टीम इंडिया पहुंचेगी, फैंस की उमड़ेगी भारी भीड़। आगरा के एक अस्पताल में सीएम योगी का संभावित दौरा माना जा रहा है, सीएम योगी के आगमन के लिए हॉस्पिटल में तैयारियां की जा रही हैं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में ईडी की कार्रवाई, रंजीत घोष के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की गई, सहारा फाइनेंस लिमिटेड में अनियमितताओं के मामले में ईडी की रेड। नोएडा में भारतीय किसान परिषद का अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन, डीएम कार्यालय की तरफ से प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बेकाबू ट्रेलर सड़क के बीच फंस गया, रोड के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार, कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को बहाल किया गया। मध्य प्रदेश के डिडोरी में पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है, कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी के सीतापुर में लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों और सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया, प्रशासन ने पंप लगाकर पानी को बाहर निकाला। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में एसिड फेंकने वाला बदमाश गिरफ्तार किया गया है, छात्रा और उसके भाई के ऊपर एसिड फेंकने के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। एमपी के मंदसौर में प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने एक युवक और उसके दोस्त को जमकर पीटा, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के दुर्ग में कांग्रेस पार्षद के परिजनों से लोगों ने मारपीट की, हाथापाई के दौरान जमकर बरसाए गए लात और घूंसे, पीटो वायरल हुआ। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपहरण और गोलीबारी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, 2 शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 8 पिस्तौल और 138 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। Zee News.